but I think more regionally you go, more rooted you go, I think you have better connect with that song. So I think I'll probably collaborate with Indian artists more. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं यंगेस्ट ज्यूरी मेंबर था यहाँ पर. बहुत मज़ा आया और इनफैक्ट मैं शायद इकलौता ज्यूरी मेंबर हूँ जिसने सारे गाने सुने हुए थे. आयुष्मान, इस साल बहुत सारे गाने को रिक्रिएट किया गया, तो आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था जिसे रिक्रिएट किया हो इस साल? इस साल जो रिक्रिएट हुआ था मुझे आई थिंक करगे चुल अच्छा लगा था. वो भी रिक्रिएट किया हुआ सॉन्ग है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है. काला चश्मा बहुत अच्छा रिक्रिएट किया गया, ये दोनों काफ़ी गाने अच्छे हैं. इसके अलावा मेरी प्यारी बिंदु काफ़ी हद तक मतलब आगे पहुंच चुकी है, तो कब तक सबके सामने आने वाली है क्योंकि काफ़ी लंबा समय दे. 12 मई को मेरी प्यारी बिंदु रिलीज हो रही है, 21 जुलाई को बरेली की बर्फी रिलीज हो रही है और 25 अगस्त को शुभ मंगल सावधान रिलीज हो रही है. मतलब इस साल आपकी पूरी 3 फिल्में और मतलब पहली बार 3 फिल्में रिलीज हो रही है एक साल में मेरी. अच्छे एक्टर के साथ अच्छे सिंगर भी, आप ये बात कितना फायदेमंद रहा आपको एस्टैब्लिश करने में एज अ सेलिब्रिटी मुंबई? आई थिंक तभी शायद मैं ज्यूरी मेंबर हूँ क्योंकि म्यूजिक से ताल्लुक रखता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार एल्बम्स आई हैं, सुल्तान से लेकर उड़ता पंजाब और ए दिल है मुश्किल, काफ़ी अच्छे एल्बम्स हैं. और इस बार सिंगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अमित मिश्रा ने बुलिया काफ़ी अच्छा गाया है. पिंक में कारी कारी जो गाना है वो बलूची सिंगर है, कोक स्टूडियो में हम सुन चुके हैं उनको, वो बहुत अच्छी हैं. सो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग टैलेंट है इस बार. आयुष्मान, अगर मैं अपार शक्ति की अगर मैं बात करूँ जी, तो मैंने उनसे बात की थी तो उनका कहना है कि अगर आपने उनके बहुत ही सपोर्ट किया, हमें दंगल देखा, हर किसी ने देखा कितना हिट है, भाई के बारे में क्या कहना है? उनका कहना है कि आपने उन्हें एक्टिंग सिखाई, आपने उन्हें गाना सिखाया. और सिमिलर मिलते हैं जो भी कहता है अरे ये तो आयुष्मान जी है. ऑफ कोर्स भाई हैं तो शक्लें तो मिलेंगी हमारी इन्फ्लुएंसेस एक जैसे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग एक जैसी है, बट आई थिंक उसकी अपनी जर्नी है. मैंने कुछ उसे एक्टिंग नहीं सिखाई है, कोई म्यूजिक नहीं सिखाया, वो खुद ही उसने सीखा है, खुद ही थिएटर किया दिल्ली में, उसने दिल्ली में थिएटर किया, मैंने चंडीगढ़ में किया है, यही फ़र्क है. बट हमारी जर्नी सेम है, रेडियो से शुरुआत हुई है, वो भी एंकरिंग करता है, सो आई थिंक वी आर क्वाइट सिमिलर इन अ वे. वो भी गाने गाता है, गाने कंपोज करता है, सो आई थिंक इन फ्यूचर आई वुड लव टू वर्क विद हिम. With international artists, I don't know. I think we have great artists in India as well, and but I think is more. It's like a trend that is being followed with now and then singers in the industry. I know that, but I think more regionally you go, more rooted you go, I think you have better connect with that song. So I think I'll probably collaborate with Indian artists more than international artists. Isn't there any such plans with international artists? I don't think so. आयुष्मान, इसके अलावा इस साल का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है, अगर दो लाइनें आप अपने अंदाज में गुनगुनाना चाहें ऑडियंस के लिए? जो आपका फेवरेट रहा, जो आप बार-बार गुनगुनाते हैं? I love चन्ना मेरे, I think. चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया. आई लव चन्ना. एक रिएक्शन जाना चाहूंगा, तो काफी दुखद इंसिडेंट हुआ शाहरुख के साथ, ट्रैवलिंग कर रहे थे और काफी अफरा तफरी मची और उसके वजह से काफी आपको थोड़ा ईजी रहना चाहिए. और आई थिंक ये अब ऐसा दौर आ गया जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ काफ़ी अप्रोचेबल हैं और आगे और अप्रोचेबल होते रहेंगे, ये अब बेहतर ही होगा. ऐसे इंसिडेंट्स, ऑड इंसिडेंट्स हैं, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. बट आई थिंक एट द सेम टाइम एज अ मेंबर ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी I'll support Shahrukh Khan sir, and it was part of their strategy, promotional strategy, whatever that was. But I think security lapse हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है. ये इसको आप किसी सेलेब को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी मार्केटिंग वालों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स अबाउट इट. डू यू थिंक प्रमोशनल स्ट्रेटजीज और प्रमोशन आजकल काफ़ी हेक्टिक हो गया? वो तो ऑफकोर्स हेक्टिक हो ही गया है यार, फिल्मों के साथ तो हेक्टिक हुआ है. थैंक यू.